आत्मा का उद्धार होना है, इसलिए सब लोग धीरे से उठो, अपने अपने भंडार व्यवस्था में पहुंचो। भंडारियों को आदेश है कि विद्वत प्रेम से इनको भोजन करा, बड़े प्रेम के साथ भोजन कराने के वक्त में कहो, कोई चीज भोजन कराने में गलती त्रुटि कोई अपशब्द जोशीली शब्द निकल गया हो तो आप माफ करिए और भोजन करिए। आप लोग जाइए अपने अपने भंडारों में भोजन व्यवस्था। मैं अभी पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों को बुलाऊंगा, आप आइए, आपका सहयोग बड़ा ही महत्वशील है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि समय से आके आप ये पूरा पूरा सहयोग दे रहे हो, और ये चाहिए इस धार्मिक देश में, धार्मिक काम में अगर सबका इसी तरह सहयोग हो जाए तो धर्म अपने आप पनप जाएगा और लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार, मोहब्बत, सेवा अपने आप आ जाएगी। तो आपने जो अपनी शालीनता का, सहानुभूति का जो परिचय दिया है, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। उस आभार को व्यक्त करते हुए मैं आपको हर रोज सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूं, ताकि हिंदुस्तान की धरती पर इन जिम्मेदार लोगों, ये मानवता इंसानियत के रखवाले हैं, ये सच्चे सिपाही मानवता के, मानवता इंसानियत की रक्षा करने वाले, मैं इनको सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूं। और इसमें मैं थोड़ी देर आपके बीच में भी बैठ जाऊंगा, लेकिन देख लीजिए तुम सब लोग अभी मिल चुके हो, सुबह से प्रसाद भी प्राप्त चुके हो, अब आप चुपचाप अपने अपने भंडारों में जाइए। कल परसों भी दो दिन है मिलने के, ऐसी क्या बात, लेकिन जो कार्य है उसको सोचो समझो, और कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे नहीं। तो इसलिए आप समय से भोजन करो, ताकि अभी डेढ़ घंटे का समय बीच में है, मिल जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो ये भोजन कुछ अंश में पच जाएगा, तो सुमेर ध्यान भजन में फिर बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी काम। जय उनके लिए झंडा गाड़ दिया गया व्यवस्था, आप भोजन करके उसकी परिक्रमा करो। अब तो यह छूट है पूरे दिन के लिए, 24 घंटे आप कर सकते हैं, क्योंकि बंधन वहां होता जहां सीमित संख्या होती, जहां सैलाब है वहां यह बहाव को कौन रोक सकता है, अगर एक एक करके तो इसमें दिन बहुत लग जाएंगे। आप अपना मौका बना लीजिए, और मैं इस पुलिस कर्मचारी अधिकारियों से मिलूं, इन्होंने जो समय दिया, जबकि ये समय बड़ा इनका दीजिए त्योहार का, लेकिन फिर भी इन्होंने सत्संग की जो मर्यादा रखी है, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूं इनका, इसलिए इनको सम्मान के साथ विदा करूंगा।
अब आप सब लोग जाइए जाइए भगवान बोस स्थापित पंडाल के जितने पंडारी लोग हैं सभी की व्यवस्था कीजिए आप। देखो तुम तो बीच में रेस्ट ले लिए, मैं सुबह से बैठे ही हूं, अभी चार घंटे वहां कुटिया में नहीं माने जबरदस्ती आप उसके वहां चार घंटे तीन घंटे पहले सुबह आपको बोल के गया चार घंटे फिर बैठा फिर ये तीन घंटे और जोड़ लीजिए। अरे भाई इंसानी मशीन है कोई लोहे की नहीं है और आपको तो ये विचार करना चाहिए। तो धीरे से बहुत काम लेगा इससे भी तो बहुत काम बाकी पड़ा हुआ कितना जन जागरण अभी बाकी है आपको नहीं मालूम। ये सब प्रेमियों को उधर से इधर प्रेम प्यार मोहब्बत गुरु के वचनों को सुना के सब बनाना है, सबको ही झंडे के नीचे लाके खड़ा करना है, तभी अपने उस प्रयासित को समझ पाएगी। उनकी कोई कमी नहीं है, जब बच्चों को नहीं पकड़ा तो संकट हो ही जाती, अगर बच्चों को पकड़े होते तो बच जाते आप संकट से। इसलिए हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, न मैं कोई निंदा रचना बुराई के दृष्टिकोण से कुछ कहता, हाँ बनने के होते उस कोण से, और जो सत्यता हकीकत है जो सिद्धांत है भारत देश की मर्यादा है भारतीय संविधान उसके मुताबिक तो जरूर कहूंगा, नहीं तो आप ये कहोगे आप जानते तो आपने बताया क्यों नहीं। बाकी मेरा कोई लक्ष्य आलोचना का, सभी अपने हो गए नहीं सब अपने हैं ये भाव सभी में भरना है और ऐसा काम करना है कि सबका उद्धार हो जाए सबका कल्याण हो जाए। क्यों नहीं, गुरु ने जो नाम दान दिया है वो तो दया करेंगे ही, उनका काम तुम्हारा अगर बच्चा कोई खराब निकल जाए तो क्या तुम रिश्ता तोड़ देते, क्या उसको हक अधिकार जमीन में या घर में नहीं देते हो, अधिकार तो होता। लेकिन वो बहुत प्रयासित करता है कि मेरे पिता का कोई सम्मान नहीं किया, पिता को मेरे मतलब किसी तरह का सम्मान दिया नहीं और फिर भी पिता हमको अपना हकदार बना रहा, तो प्रयासित तो करना ही होता है और प्रायश्चित सबसे बड़ी सजा है, इससे बढ़कर कोई सजा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल का सत्संग 1 बजे से, यह समय ठीक है मध्यस्थ का, क्योंकि इन भंडारों को भोजन भी तैयार करना होता आपके लिए, तो ये 11 बजे तक सबको भोजन खिला देंगे और 12 बजे से आपका प्रार्थना पाठ शुरू हो जाता, उसमें भी बैठा करो। तुम्हारा प्रार्थना का शब्द जब अंदर में जाएगा तो ये मन अपने गुनाहों को कबूल करेगा, ऐसा नहीं है, ये सबका लाभ है। कोई वचन जो कान में होके जाएगा अंदर की कुछ ना कुछ गंदगी को निकाल के जरूर बाहर लाएगा, ये तुम्हारे हित में सब रखा गया, ऐसा नहीं है। तुम ऐसे समझते हो 11 बजाना हो रहा और तुम ये लाभ फला फरमाई पहले की है उसकी सजा भोग रहे हो और फिर करोगे तो आगे तो कहीं बनने का फिर तुम्हारा समय ही नहीं रहेगा, फिर तुम क्या मन पाओगे। तो इसमें मैं अपनी वाणी को आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम विराम दे रहा हूं, कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो आप सब लोग हमको छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे, अवसर मौका मिलता रहेगा आप सबके दर्शन करता रहूंगा, गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की आवाज नए निर्माण की योजना वो सब आपके सामने खोल के रखता रहूंगा। मेरा तीसरा कोई काम नहीं है, इसको हमेशा मध्य नजर रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लगा ठीक है।